हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडी मूवीज स्टॉक यूट्यूब चैनल। आई एम अक्षय। दोस्तों, मैंने वाल्वी नाम का मराठी मूवी देखा थिएटर में। 7:30 का शो देखा मैंने कल नाइट को। सिनेमा लवर्स डे था कल, तो 7:30 का शो मैंने देखा 99 रुपीज में। पूरा शो हाउसफुल था, कचाकच भरा हुआ था पूरा। तो मराठी मूवी के लिए इतना क्राउड देखकर बहुत मजा आया मुझे, दिल खुश हुआ। दोस्तों, अगर मूवी की बात करूँ तो वाल्वी इज अ वेरी वेल मेड एंड वेरी वेल रिटन मूवी, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड आउटस्टैंडिंग। शॉकिंग क्लाइमैक्स। दोस्तों, मैं क्लाइमैक्स की पहले बात करूंगा। दोस्तों, मैं क्लाइमैक्स का पहले जिक्र करना चाहूंगा। क्लाइमैक्स जैसे ही आया मेरे सामने, मैं जस्ट लाइक ओ गॉड, मैं ऐसा पूरा एकदम शॉक हुआ। इट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड शॉकिंग। तो क्लाइमैक्स इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड शॉकिंग है। आप जब क्लाइमैक्स देखोगे, आप पूरी तरह से शॉक हो जाकर जोर से चिल्लाओगे, मतलब ये एग्जैक्टली हुआ क्या। इस मूवी के ड्यूरेशन की बात करें तो ये मूवी 1 घंटे 45 मिनट की है, ज्यादा लंबी नहीं है, तो कहीं पर भी आप बोर नहीं होगे। स्क्रीन प्ले की अगर बात करूं तो स्क्रीन प्ले फास्ट पेस पे है, एंगेजिंग है, इंटरेस्टिंग है, शुरुआत से लेकर एंड तक आपको बांध के रखता है। ये इस मूवी की खास बात है। फर्स्ट हाफ की बात करें तो डायरेक्टर ने कहीं पर भी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है, डायरेक्टली उन्होंने स्टोरी पर ही फोकस किया है। फर्स्ट सीन से स्टोरी जैसे ही चालू होती है, इंटरवल तक स्टोरी एकदम इंटरेस्टिंग है। इंटरवल तक एक मूवी पूरी तरह से आपको बांध के रखती है, इंटरेस्टिंग बना देती है। और जैसे ही इंटरवल आता है, आप सोचोगे अरे क्यों इंटरवल आया, इंटरवल के बाद आखिर क्या होने वाला है, इस स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, आप सोचते बैठते हो। सेकेंड हाफ में जैसे ही सुबोध भावे की एंट्री होती है, स्टोरी और ज्यादा एंगेजिंग और फास्ट हो जाती है। उसके बाद तो स्टोरी में जो कॉमेडी का तड़का जो लगता है सुबोध भावे के आ जाने से, आप हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे पूरी तरह से। तो काफी ज्यादा एंजॉय करोगे सेकंड हाफ। स्टोरी की बात करो तो सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, थोड़ी से बीच बीच में कॉमेडी भी है, तो आप इसे ब्लैक कॉमेडी भी कह सकते हो। स्टोरी जिस तरह से लिखी है, तो स्टोरी के लिए तो 5 out of 5 stars है मेरी तरफ से। ऐसी स्टोरी जब आप देखोगे, आप सोचोगे कि बॉलीवुड ऐसी स्टोरी कब बनाएगा। ऐसी कहानी की सक्सेस जरूरत है बॉलीवुड वालों को। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि सुबोध भावे के आ जाने से सेकंड हाफ में स्टोरी काफी ज्यादा आगे बढ़ जाती है, एकदम फास्ट पेस में। और जैसे जैसे आप क्लाइमेक्स में पहुंचोगे, खासतौर से क्लाइमेक्स में जो टेंशन जो उन्होंने क्रिएट किया है, इट इज आउटस्टैंडिंग। आप भी एकदम शॉकिंग तरीके से एकदम रिएक्ट हो गए क्लाइमेक्स जब देखोगे आप। उसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर के लिए 5 out of 5 stars। घड़ी का भी बैकग्राउंड म्यूजिक हो, टिक 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 जो टेंशन क्रिएट होता है बीच बीच में, जो उन्होंने टेंशन क्रिएट किया है, इट इज आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट। सेकेंड हाफ में तो पूरी तरह से शॉकिंग चीजें होती है। आप बस देखो, आप जब देखोगे आप पूरा हंसोगे भी और एकदम शॉक भी हो जाओगे। तो खास करके क्लाइमैक्स के लिए, क्लाइमैक्स के लिए मैं डायरेक्टर को 5 out of 5 stars दूंगा। दोस्तों, एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करो तो शिवानी सुरवे, अनीता दाते, स्वप्निल जोशी और सुबोध भावे सभी का काम आउटस्टैंडिंग है, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। एक तो स्टोरी ने तो पहले ही बाजी मार ली थी, और इन चारों के एक्टिंग परफॉर्मेंस से एकदम चार चांद लगे इस मूवी को। खास करके सुबोध भावे की जब एंट्री होती है सेकेंड हाफ में, उनका जो परफॉर्मेंस है, आप एकदम हंस हंस के पागल हो जाओगे। दोस्तों, अगर डायरेक्शन की बात करें तो परेश मोकाशी, इन्होंने इस फिल्म का डायरेक्शन किया है। फैबुलस डायरेक्शन, 5 out of 5 stars, सुपर डायरेक्शन। ज्यादा लंबा नहीं खींचा है मूवी, 1 घंटे 45 मिनट में आपको काफी ज्यादा एंटरटेन करेगा और एंगेजिंग यानी कि बांध के रखेगा आपको इस स्टोरी में। तो एंड में सवाल यह है कि एक मूवी देखनी चाहिए कि नहीं। जी, बिल्कुल देखनी चाहिए, खास करके स्टोरी कंटेंट के लिए, और खास करके सभी के एक्टिंग परफॉर्मेंस के लिए, और खास करके क्लाइमैक्स के लिए। क्लाइमैक्स के लिए आप इस मूवी को जरूर देखिए। बॉलीवुड में ऐसे सब्जेक्ट यानी कि कंटेंट की खास करके अभी ज्यादा जरूरत है। मराठी मूवीज में ऐसे सब्जेक्ट आ रहे हैं, ये देखकर काफी ज्यादा मजा आया। वेड मूवी ने 50 करोड़ तो पार कर ली है, ये मूवी भी जल्द से जल्द 50 करोड़ तक जाएगी, क्योंकि लोग खचाखच भर भर के आ रहे हैं, शोज काफी हाउसफुल हो रहे हैं। जिनको मराठी लैंग्वेज समझ में आती, वो इंग्लिश सबटाइटल के साथ ये मूवी देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, आप इस मूवी को जरूर देखना अपनी फैमिली के साथ। आई एम गोइंग विथ 4.5 stars out of 5। अगर आप लोग ने वाल्वी मूवी देखी है, आपको ये मूवी कैसे लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।